Hello and welcome to Bhardwaj Vids. This is part 2, childhood and growing up, important questions, and we are discussing the important topics of unit 2 here. So let's start with the 2017 question papers. 2017 mein jo question pucha gaya hai वो है 16 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछा गया है कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग देम एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस इसी क्वेश्चन को 4 मार्क्स में भी पूछा गया था 2017 में कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस करके एंड कंप्लीट क्वेश्चन 16 मार्क्स में पूछा गया है इसी के चॉइस में जो क्वेश्चन रहा है वो है दिस वन मैथड्स एंड वेज टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस एंड एडोलसेंट बिहेवियर और इसके सब टॉपिक्स में मेनली पार्ट थे इंटरव्यू एंड एंकीडोटल रिकॉर्ड्स एंड नैरेटिव्स इसके बाद री एग्ज़ाम में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो है गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इम्प्लीकेशंस फॉर टीचिंग लर्निंग और इसके चॉइस में जो क्वेश्चन रहा है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है व्हाट डू मीन बाय प्ले हाउ कैन और यू कैन से हेयर इज़ द क्वेश्चन व्हाट डू मीन बाय प्ले What is the role of play in the development of child? This is the question. So, आप देख पा रहे हैं repetition नहीं है और बहुत से topic remaining है. I just third time CRC paper बनाएगा तो कोई chance नहीं लग रहा repetition का. फिर भी अगर आपने इन topics जो इन चार topics में से कुछ भी किया है तो आप छोड़े ना इस time पे उसे भी revise करें. लेकिन इसके अलावा जो मैं questions बता रहा हूँ उन्हें बहुत अच्छे से करना है. सेकेंड टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर 16 मार्क्स एंड 4 मार्क्स ऑल्सो डायमेंशंस ऑफ डिफरेंसेस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स कॉग्निटिव इंटरेस्ट एप्टीट्यूड क्रिएटिविटी पर्सनैलिटी एंड वैल्यूज इनमें से जो मेजर 3 टॉपिक्स हैं जो पूछे जा सकते हैं एप्टीट्यूड क्रिएटिविटी पर्सनैलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रिएटिविटी है इसमें से 16 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट डू मीन बाय क्रिएटिविटी हाउ कैन अ टीचर हेल्पफुल इन क्रिएटिंग क्रिएटिविटी अमंग द स्टूडेंट्स एप्टीट्यूड का मीनिंग मोस्टली क्लियर नहीं होता किसी को तो ये 4 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है मीनिंग कॉन्सेप्ट बताइए एप्टीट्यूड का और एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस में क्या डिफरेंस है ये आप चाहो तो हल्का सा बस रीड कर सकते हो गार्डनर्स थ्योरी पूछी जा चुकी है री के पेपर में लेकिन स्टिल इम्पॉर्टेंट है बिकॉज सी टेट में भी आनी है ये सो आप इसे बिल्कुल ना छोड़ें बहुत अच्छे से करनी है इसके अलावा 4 मार्क के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ऑफ स्लो लर्नर डायलेक्सिया प्रोसेस एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस फॉर टीचर्स ये 16 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन इस टॉपिक्स को आप छोड़ सकते हो पूरी तरह से इसके अलावा मीनिंग ऑफ प्ले भी आ चुका है लेकिन स्टिल आपको नहीं छोड़ना है ऐसे करना है अच्छे से 4 मार्क में ग्रुप डायनेमिक्स पूछा गया था री के पेपर में इस बार के जो चांसेस लग रहे हैं 16 मार्क के क्वेश्चन में से वो ज़्यादा चांसेस हैं कि ये पूरा टॉपिक पूछा जाए गेम्स एंड ग्रुप वाला 16 मार्क्स में और उसके चॉइस में रहे क्रिएटिविटी या फिर पर्सनालिटी या वैल्यूज इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन गार्डनर्स थ्योरी इंपॉर्टेंट है ये आपको करनी है 4 मार्क में प्ले या कुछ भी पूछा जा सकता है सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसमें से इंडिविजुअल डिफरेंसेस जस्ट आप रीड कर लेना ज़्यादा ध्यान नहीं देना इन पे बाकी जो मेन जो 18 टॉपिक्स हैं इन पे ज़्यादा फोकस करना है थैंक यू थर्ड एंड फोर्थ की वीडियो आपको मिल जाएगी उन थर्ड एंड फोर्थ की जल्दी से जल्दी ऑल द बेस्ट